أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी क्लास चल रही है असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग की और आज उस सीरीज का हमारा 15वां लेक्चर है। दोस्तों अगर आपकी यूनिवर्सिटी की बात की जाए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तो उस सीरीज का हमारा 10वां और 11वां जो लेक्चर है वो आज की इस वीडियो से कवर होने वाला है। दोस्तों उम्मीद है कि अब तक तो आपको मेरे इन लेक्चर से फायदा हो रहा होगा और आपको अब थोड़ी थोड़ी असेंबली लैंग्वेज की भी समझ आनी शुरू हो गई होगी। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये कोर्स सिर्फ पढ़ने की हद तक है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ना तो कोई हमने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने हैं ना ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाके इसका कहीं पे कोई यूज है। तो हम सिर्फ एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ें और इसको जस्ट आप पास करें और अच्छे नंबरों के साथ पास करें, इसलिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले क्लास से जिसको हम बिट मैनिपुलेशन कहेंगे। दोस्तों ये बिट मैनिपुलेशन है क्या, तो आज की क्लास में हम इसके ऊपर विद इन डिटेल बात करेंगे। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों पिछली 3-4 क्लासेस से हम लोग जंप्स के ऊपर बात करते आ रहे थे। हमने देखा कि कंडीशनल जंप्स कौन से होते हैं, अनकंडीशनल जंप्स कौन से होते हैं। इसके साथ हमने जंप की और भी मुख्तलिफ अकसाम देखी जिसमें हमने नियर जंप देखा, शॉर्ट जंप देखा और फार जंप देखा। यहां तक तो थी हमारी पिछली क्लास। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के हवाले से और हम देखेंगे कि कैसे हम बिट्स को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं और हम देखेंगे कि ये जो बिट मैनिपुलेशन है इसके अंदर शिफ्टिंग और रोटेशन से क्या मुराद है। हम शिफ्टिंग और रोटेशन की मुख्तलिफ जो अकसाम हैं उनको भी विद इन डिटेल देखेंगे और इंशाल्लाह ये जो चैप्टर दोस्तों हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है चैप्टर 4, इफ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। तो आप इन लेक्चर्स को बड़े गौर से देखें और उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करें क्योंकि आपका जो मिड टर्म एग्जाम होना है उसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो इस चैप्टर से भी लिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की जानिब और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या है। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का जब नाम आता है हमारे माइंड के अंदर तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो बेसिक एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे जो मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है ये हमारे पास जो सिंपल है जो हम लोगों ने अपनी बेसिक एजुकेशन जब हमने हासिल की उस वक्त पढ़ा वो क्या है और फिर हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इस मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को जो है कैसे परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशली फॉर द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का अमल था वो क्या था। तो यहां पे देखें आपको नजर आ रहा है रिमेंबर मल्टीप्लाई बाय डिजिट एंड देन पुटिंग अक्रॉस एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द नेक्स्ट डिजिट एंड पुटिंग 2 क्रॉस एंड सो ऑन एंड समिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द एंड। कि हम लोग क्या करते थे कि हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते थे ऊपर वाली सारी वैल्यूज के साथ, देन मूव टू द सेकेंड नंबर और जब हम सेकेंड नंबर पे जाते थे तो एक क्रॉस जो है वो राइट साइड पे पुट करते थे और उसके बाद जब हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते थे तो फिर हम 2 क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई वाले वो पुट करते थे और फिर जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट थे उन सबको जमा करते थे। इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे देखें आपको नजर आ रहा है कि 1 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि आपने 13 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है तो हमें जो है आंसर वैसे ही पता होगा कि हमारे पास जो है 6 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो रकम है वो बड़ी होती जाए, यहाँ पे जैसे मैंने अब ऊपर भी 2 डिजिट लिया है और नीचे भी जो है वो मैंने 2 डिजिट लिए हैं कि 13 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इस केस में क्या होगा कि हम जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 5 हमने लिखा, 1 हमने कैरी किया और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और फिर जो कैरी था उसके अंदर जमा करेंगे तो ये हमारे पास 60
फाइव आ जाएगा। अब हमने जब दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम यहां पे देखें एक क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगाने के बाद देखें टू को हमने मल्टीप्लाई किया थ्री के साथ तो आंसर सिक्स आया, और फिर टू को हमने मल्टीप्लाई किया वन के साथ तो हमारे पास आंसर टू आया। अब हमारे पास ये जो दोनों इंटरमीडिएट रिजल्ट आए हैं इन दोनों रिजल्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 325 इसका जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों ये था बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन का अमल। इसी तरह हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस में जब या असेंबली लैंग्वेज में मल्टीप्लीकेशन का अमल करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वी यूज शिफ्ट एंड रोटेशन टू मल्टीप्लाई अ नंबर एंड वी आल्सो यूज मिट बिट मैनिपुलेशन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। कि हम लोग जो है आपको पता है कि कंप्यूटर जो है उसकी भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और ये जो बाइनरी है इसके अंदर सिर्फ जीरोस और वन आते हैं। अब हर जो जीरो है या हर वन है वो एक बिट के अंदर स्टोर होता है, तो हम लोग कंप्यूटर में या असेंबली लैंग्वेज में क्या करते हैं इन बिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सम टाइम हम शिफ्ट करते हैं या इनको रोटेट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड रोटेट हम जो है ये मल्टीप्लीकेशन का अमल परफॉर्म करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर या रजिस्टर्स के अंदर। ये हम कैसे करते हैं इसकी भी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन के अमल के दौरान दिखाई जो कि 13 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर साइंस में, तो वो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो है 13 की बिट्स लेंगे, इसका जो बाइनरी पैटर्न है वो है 1 1 0 और 1। इसी तरह 5 का बिट पैटर्न लेंगे तो वो हमारे पास 1 0 1 आता है, लेकिन हम चूंकि ऊपर 4 बिट्स ली हैं तो ये हमारा 4 बिट बनाने के लिए यहाँ पे शुरू के अंदर जो है मैंने एक बिट एक्स्ट्रा एड कर दी है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो क्या है कि अगर हमारा जो नंबर है वो पहला 1 है, यानी कि ये पहला देखें 1 आ गया, तो हम सेम एज इट इज ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे प्रिंट कर देते हैं। यहां पे देखें पहले ऑपरेशन के अंदर कि अगर 1 आ गया तो हम सेम एज इट इज देखें 1 1 0 1 है वो हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि अगर हमारा 0 आ जाए और जितनी बिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शुरू में हम उन सारी बिट्स के शुरू में क्रॉस लगाएंगे, यानी कि उनको हम जो है लेफ्ट जाने मूव करेंगे, और फिर अगर 0 है तो जितनी बिट्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बिट्स हम सारी 0 लगा देंगे। 4 बिट्स तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी हम 4 बिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर देखें आगे 1 है, हम जो है अब हम 2 क्रॉस लगाएंगे। यही हमारा जो बेसिक रूल है सिंपल मल्टीप्लीकेशन का, हमने इसको 2 टाइम जो है आगे मूव किया, यहां पे देखें वही 1 आ गया तो वही दोबारा ऊपर 1 1 0 1 को तो हमने दोबारा रिपीट कर लिया। इसके बाद देखें आगे फिर 0 है तो हमने 3 टाइम जो है वो x लगाया और फिर 0 की जगह पे 4 बिट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4 टाइम मैंने 0 लगाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारे रिजल्ट को जो है हम एड अप करेंगे तो हमारे पास देखें 1 0 1 0 0 0 0 1 और 0 आ गया, और ये हमारा जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लीकेशन का अमल है। अब दोस्तों ये जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया है इसके अंदर देखें एक तो हमने बिट यूज किया, बिट को मैनिपुलेट किया है, दूसरा हमने शिफ्टिंग भी की है कि हम लेफ्ट जानिब जो है वो शिफ्ट हुए हैं और वहां पे शुरू के अंदर हमने क्रॉस लगाया। दोस्तों हमारे पास ये जो शिफ्ट है या रोटेशन है या जो बिट मैनिपुलेशन है, ये हमारे पास शिफ्ट और रोटेशन जो है मुख्तलिफ अक्साम की है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और हमारे पास जो ये जो शिफ्टिंग या रोटेशन की मुख्तलिफ अक्साम है इनको हम जो है विद इन डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास देखें शिफ्टिंग और रोटेशन के अंदर हमारे पास जो पहली शिफ्ट है वह शिफ्ट लॉजिकल राइट, कि राइट जानिब शिफ्ट होना है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, द शिफ्ट राइट ऑपरेशन इंसर्ट अ जीरो फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूव एवरी बिट पोजीशन टू द राइट एंड कॉपीज द राइट मोस्ट बिट इन द कैरी फ्लैग। अब यहां पे देखें कि हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट से और हम अपनी जो बिट्स हैं उनको मूव करेंगे राइट जानिब,
और हमारी जो राइट बिट होगी मोस्ट वाली उसको हम कैरी फ्लैग के अंदर लिखेंगे। इसकी एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। यहां पे देखें आपके पास 1011000 आ गया। अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे शिफ्ट लॉजिकल राइट तो उसमें क्या होगा, हमने पढ़ा है कि हम इंसर्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट। देखें इंसर्ट के अंदर ये एक्स लिखा है, इधर से इंसर्ट करेंगे और कैरी के अंदर हम पेस्ट करेंगे। तो यहां पे देखें हमने ये जो एक्स इंसर्ट किया था, हमारी ये जो पहले वाली बीट है यहां पे देखें जीरो है, वो मूव होकर हमारे कैरी फ्लैग के अंदर आ गई, और हमने जो इंसर्ट किया था वो हमारा लेफ्ट साइड से जो है इंसर्ट हो गया। अब देखें कि आपने याद रखने के लिए इसको क्या करना है, शिफ्ट लॉजिकल राइट, कि आपकी जो मूवमेंट है वो तो राइट होगी लेकिन जो इंसर्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट होगी, और जो कैरी फ्लैग है उसके अंदर भी आपकी राइट वाली जो पोजीशन है, यहां पे देखें 2 टाइम 0 थे, ऊपर वाली जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसमें से 1 0 मूव होकर कैरी फ्लैग के अंदर आ गया, और बाकी सेम एज इट इज उसी पैटर्न से 0 आएंगी और एक्स जो है हमने आखिर के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये तो हो गया दोस्तों हमारा शिफ्ट लॉजिकल राइट। अगली जो हमारे पास रोटेशन है वो है शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। अब ये जो शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट है ये बिल्कुल आपकी अपोजिट है शिफ्ट लॉजिकल राइट के, कि हम पहले जो है इंसर्ट कर रहे थे लेफ्ट से और मूव कर रहे थे राइट जानिब, लेकिन जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम मूव करेंगे लेफ्ट की जानिब और इंसर्ट करेंगे राइट से। तो इसमें हमने वही डेफिनेशन लिखी हुई है, इन डेफिनेशन को भी आपने सेम एज इट इज याद करना है, क्योंकि आपके पेपर में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में से बहुत सारे सवाल भी आते हैं और ऐसे आपने डायग्राम्स भी दिखानी होती हैं। तो यहां पे देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें 1011000 ये वही है, लेकिन इसके अंदर जो हम इंसर्शन करेंगे वो मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट जानिब हम मूव करेंगे और इंसर्शन जो है वो हम राइट से करेंगे, तो एक्स जो है वो मैंने राइट साइड पे लिख दिया। अब अगली डायग्राम जब हमारी चेंज हुई तो ये देखें कि हमारा जो 1 था वो हमारे कैरी फ्लैग के अंदर आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और आखिरी बिट की जगह पे हमारे पास एक्स आ गया। तो ये हम जो है शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट हो गए, और यही हमारी जो है दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम बिट मैनिपुलेशन कहते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ, जैसे हमने शिफ्टिंग के पढ़े हमारे पास कुछ रोटेशंस भी हैं। तो रोटेशन में हमारे पास जो पहली रोटेशन है वो है रोटेट राइट। अब रोटेट राइट क्या है, इन द रोटेट राइट ऑपरेशन एवरी बिट मूव 1 पोजिशन टू द राइट। अब देखें कि जब हम शिफ्टिंग पढ़ रहे थे तो मूवमेंट जो है वो अपोजिट थी, अब यहां पे जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, हम रोटेट राइट पढ़ रहे हैं तो हमने मूव भी जो है वो राइट करना है, एंड द बिट ड्रॉप्ड फ्रॉम द राइट इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट, और हमारी जो बिट ड्रॉप होगी राइट साइड से वो हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। द बिट इज ऑल्सो कॉपीड इन द कैरी फ्लैग, और यही जो हमारी बिट होगी जो ड्रॉप हुई है वो हम कैरी फ्लैग के अंदर भी पेस्ट करेंगे या कॉपी करेंगे। अब उसकी एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों आपको एक चीज नजर आ रही है, यहां पे देखें वही एग्जांपल है 1011010 और 0। अब देखें कि हमने रोटेट राइट करना है, यानी कि ये जो हमारी बिट्स हैं हमने राइट जानिब मूव करना है, तो हमारी ये जो 0 बिट होगी ये एक तो कॉपी होकर कैरी फ्लैग के अंदर जाएगी, और दूसरा क्या होगा इसी की एक कॉपी जो है वो हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रोटेट राइट। अब यहां पे देखें अगली स्टेप के अंदर अब हम मूव कर गए हैं, यहां पे देखें 0 आ गया, 1 आ गया, 0 1 1 0 1, और ये जो हमारी पहली मोस्ट राइट बिट थी इसको हमने जो है वो एक कैरी के अंदर पेस्ट किया और एक जो है हमने लेफ्ट साइड में पेस्ट किया, तो ये हमारी रोटेट राइट बन गई। ये है दोस्तों रोटेशन राइट की। इसके बाद बारी आती है रोटेट लेफ्ट की। अब ये बिल्कुल वैसे ही अपोजिट है हमारी राइट रोटेशन के।
हम इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं. इन द ऑपरेशन ऑफ रोटेट लेफ्ट इंसर्शन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कॉपीड टू द कैरी फ्लैग, हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी यानी कि लेफ्ट साइड से, वो हम कॉपी करके कैरी फ्लैग के अंदर रखेंगे. इंसर्ट फ्रॉम द राइट साइड, और उसी को इंसर्ट करेंगे राइट साइड से, कॉजिंग एवरी बिट मूव टू द पोजिशन लेफ्ट. और हमारी जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी. इट इज रिवर्स ऑफ द रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन. हमने जो ऊपर रोटेट राइट की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है ये बिल्कुल उसके रिवर्स है, बिल्कुल उलट है. अब इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं. यहां पे देखें कि आपकी जो पहली बिट है वो है 1, फिर 0, 1, 1, 0, 1, 0 और 0 है. अब जब हम रोटेट लेफ्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो हर बिट है वो लेफ्ट जानिब मूव करेगी. यानी कि यहां पे देखें पहले 1 था, वो मूव करके कैरी फ्लैग के अंदर आ गया, और फिर हमारे पास 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वही हमारी जो है राइट साइड से इंसर्ट भी होगी, तो ये हमारी बन जाएगी रोटेट लेफ्ट. ये हैं दोस्तों आपके पास तो रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट, और ये हमारे पास दो टाइप्स हैं रोटेशन की. दो टाइप्स हमने शिफ्टिंग की देखी और दो टाइप्स जो हैं हमने रोटेशन की देखी. दोस्तों इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं. कुछ हमारे पास और भी अक्साम हैं रोटेशन और शिफ्टिंग की, वो है विद रिस्पेक्ट टू द कैरी फ्लैग, वो भी देख लेते हैं. इसमें जो पहली है वो है रोटेट थ्रू कैरी राइट. अब ये कैसे होगा, इन द रोटेट थ्रू कैरी राइट इंस्ट्रक्शन द कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट. कि आपके कैरी फ्लैग के अंदर जो पहले से वैल्यू पड़ी है उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे. एवरी बिट मूव टू द राइट. अब ये भी देखें सिर्फ हमारे जो शिफ्टिंग है उसमें हम अपोजिट मूव करते हैं, लेकिन हमारी जो रोटेशन है इसके अंदर हम सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जो है आसानी के साथ इनको याद कर सकें. एंड द राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ड्रॉप्ड इन कैरी फ्लैग, और आपकी जो राइट मोस्ट बिट है वो ड्रॉप होके कैरी फ्लैग के अंदर चली जाती है. दोस्तों इसके साथ बताता चलूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम की टू सक्सेस है, और वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है जहां पे आपकी असाइनमेंट्स और जीडीबी का सोल्यूशन देता हूं, और की टू सक्सेस के ऊपर आपको एग्जाम की तैयारी करवाता हूं. तो आप इन चैनल्स को भी जरूर विजिट करें और वहां पे जो कंटेंट अवेलेबल है उससे भी फायदा उठाएं. आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. तो यहां पे देखें हमारे पास जो है अब 1 0 1 1 0 1 0 0, और कैरी फ्लैग के अंदर देखें हमारे पास 1 मौजूद है. हम ये रोटेट थ्रू कैरी फ्लैग राइट कर रहे हैं. तो यहां पे देखें हमारे कैरी फ्लैग के अंदर 1 था, उसको हमने मूव करके हम यहां पर ले आए, लेफ्ट से हमने इसको इंसर्ट किया, और हमारी जो मूवमेंट है वो राइट साइड पे होगी. तो यहां पे देखें ये जो 0 था ये हमारा कैरी फ्लैग के अंदर चला गया, कैरी फ्लैग वाली बिट हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गई और बाकी वैसे की वैसी मूव हो गई. तो इसको हम जो है रोटेट थ्रू कैरी राइट कहेंगे. इसके बाद अगली जो हमारे पास रोटेशन है वो है हमारे पास दोस्तों रोटेट थ्रू कैरी फ्लैग लेफ्ट. अब ये वैसे ही अपोजिट है हमारी जो हमने पहले पढ़ी है रोटेट थ्रू कैरी राइट के. अब इसमें क्या है, इन दिस ऑपरेशन कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट साइड कॉजिंग एवरी बिट मूव टू द लोकेशन लेफ्ट. इसमें हम लेफ्ट जाने मूव करेंगे और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारी कॉपी होके कैरी फ्लैग के अंदर आएगी. इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल में देखें आपको नजर आ रहा है कि 0 है कैरी फ्लैग के अंदर, ऑलरेडी हमारे 1 0 1 1 0 1 0 और 0 है. अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो 1 था शुरू में वो हमारे कैरी फ्लैग के अंदर आ गया, और जो कैरी फ्लैग के अंदर 0 था वो हमारा इंसर्ट होगा राइट साइड से जाके. तो यही जो है उसके बाद बाकी जो बीट हैं वो एक स्टेप आगे मूव होके हमारे लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएंगी. तो उसके बाद हमारे पास 0 1 1 0 1 0 0 आ गया. तो ये है दोस्तों हमारे पास रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट की रोटेशन. दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी रोटेशन है थोड़ी सी ट्रिकी, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, आपको अगर समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल शुरू में इस लेक्चर को ले जाएं और वहां से आप दोबारा स्टार्ट करें. आप पहले शिफ्टिंग को समझने की कोशिश करें
फिर आप रोटेशन को समझने की कोशिश करें, और फिर आपको मैंने जो आखिर में रोटेशन थ्रू कैरी फ्लैग पढ़ाई है इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम चैप्टर है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है हमारी बिट मैनिपुलेशन के हवाले से। मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी ये जो बिट मैनिपुलेशन है ये परफॉर्म होती है। उसके साथ ही हमने जो है मल्टीप्लीकेशन का अमल भी देखा कि हमारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर कैसे मल्टीप्लीकेशन का अमल होता है थ्रू शिफ्टिंग एंड रोटेशन। हमने मुख्तलिफ अकसाम की शिफ्टिंग और रोटेशन को देखा, जिसमें शिफ्ट लॉजिकल राइट को देखा, शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट को देखा, रोटेट राइट को देखा, रोटेट लेफ्ट को देखा, रोटेट थ्रू कैरी राइट को देखा और रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट को देखा। और इन सब के अंदर फर्क क्या है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ भी आ गई होगी। दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हम प्रोग्राम भी करेंगे, और ये जो हमने बिट मैनिपुलेशन, शिफ्टिंग और रोटेशन पढ़ा इसके भी हम बहुत सारे मजेदार किस्म के असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखेंगे। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की टू सक्सेस, और मेरी वाइफ का भी एक चैनल है होम रू स्टफ, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और वहां पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसको भी देखें। इंशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ उसको आपके लिए बनाया गया। दोस्तों मिलते हैं अगली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।